बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जुम्मा मुबारक हो आप सबको। हमारे यहाँ तो सुबह हुई है जुम्मे की, आप लोगों के यहाँ तो हो गई होगी। तो अभी सुबह है, 8 बजे हैं सुबह के, और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि अच्छी तरह जुम्मे तैयारी कर सकें। इसलिए मैं, कैसे हैं सब लोग आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिली के साथ, अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी के साथ। अल्लाह में आप सबको रखे अपने मन में, मुझे भी। आज मैं बना रही हूँ क्विक चिकन। क्विक चिकन मैंने खुद ही नाम रखा है क्योंकि जल्दी से बन जाती है, और मेरी अपनी रेसिपी है, खुद ही मैंने ऐसे ही बनाई थी, अच्छी बन गई तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दी। तो जब कोई जल्दी होती है तो मैं बना लेती हूँ, अक्सर दावतों में भी बना लेती हूँ। तो इसमें चिकन होगी, प्याज होगी चॉप की हुई, टमाटर हैं, हरी मिर्च है, काली मिर्च, हल्दी मैं डालती नहीं मगर अब मैं डालने लगी क्योंकि सेहत के लिए हल्दी अच्छी है, नमक, लहसुन, अदरक, बस यही चीज़ें होंगी। अदरक से मैं गार्निश करूँगी। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चला दिया मैंने, ऑयल मैंने ऐड कर दिया इसमें 1.5 चम्मच, और अब मैं चिकन फ्राई करूँगी। इसलिए कि चिकन को फ्राई कर ले रहा हूँ, इसको अच्छी तरह फ्राई करके और इसको निकाल ले रही हूँ। मैंने इसको पहले जुम्मे के दिन बहुत काम होता है, सारी सफाई वगैरह हम जुम्मे रात को ही कर लेते हैं, मगर फिर भी पढ़ना पढ़ाना और बहुत काम होता है। जिन्हें हम लोग रातों भी जल्दी जल्दी खाना भी बन जाए और फिर वहाँ पर जिन्हें की तैयारी करें। देखिए मेरी चिकन फ्राई हो गई अच्छी तरह से, हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं क्योंकि फिर मैं उसमें टमाटर फ्राई करेंगे। चिकन को खूब अच्छी तरह फ्राई करिए ताकि इसकी फ्राई नहीं मारे। और मैंने इसमें दो बड़ी इलायची तोड़ के डाल दी थी और एक एक बात को बता दी ताकि उसका आराम अच्छा हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर जब हो जाएंगे इनका पानी स्वच्छ हो जाएगा, फिर मैं सारे मसाले और ये कर देंगे। तब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी ताकि ये भुन जाए, टमाटर के साथ साथ काले वाले कुछ है। टमाटर इसलिए करूँ कि वो बाद में पानी छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई मेहमान आए कुछ हो ये जल्दी जल्दी आके इसको कर ले, बस फौरन हो जाती जल्दी से तैयार। ऐसा मेरे साथ पाकिस्तान में बहुत होता था, अचानक मेहमान आते थे इसलिए मैं कबाब इस तरह की चीज़ें सब्जी में बना कर रखती थी थोड़ी तौर पर। और यहाँ पर भी मैं हर तरह की कबाब बनाकर रखती थी, अब ज़रा बीमार हो गई है तो
बना नहीं पा रही, बना लेती हूँ फिर भी थोड़ी थोड़ी करती, मगर इतने नहीं बना पा रही जैसे पहले, तो फिर भी रोल और ये वो। बनाऊंगी रोल तो फिर आप लोगों को बताऊंगी रेसिपी कि मैं किस तरह के रोल बनाती हूँ और किस किस किस्म के बनाती हूँ, ये देखिएगा आपको। अभी मैं प्याज प्याज ऊपर से दम लगाऊंगी हल्का हल्का बस, क्योंकि वो प्याज करेंची करेंची वो तो अच्छी लगती है। मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ, जो मुझे आता है जो मैं बनाती रही हमेशा से वही मैं बनाती हूँ। हाँ मुझे अच्छी लगती है लोगों की रेसिपी, मैं ट्राई करती हूँ, पर अगर मैंने किसी की रेसिपी ट्राई की तो मैं बता भी दूँगी कि मैं उनकी रेसिपी ले रही हूँ, मगर फिलहाल तो मैं अपनी हूँ जो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, कुछ अन्य किसी का कुछ खुद ही कुछ इस तरह। माशाल्लाह मेरे घर में दावतें वगैरह बहुत होती थी, अच्छा लगता था हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी मुझे भी कि लोगों को बुलाएं दावत करें। हम मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अगर हिम्मत हो जाए तो मैं कर लेती हूँ। अब ये मसाले ऐड करेंगे, नमक काली मिर्च और हल्दी। टमाटर मैंने सिर्फ इसीलिए ज़्यादा भून लिए कि वो पानी छोड़ते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, पानी पानी हो जाता है। क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है, इसलिए काली मिर्च की ही कह लें इसको, इसमें कोई रेड या कोई नहीं। भूल जाए तो फिर मैं प्याज हरी मिर्च ऐड करूँगी।
और चिकन हो गई है बहुत अच्छी तरह भून गई। अब मैं इसमें प्याज रखी गई, इसमें प्याज ज़्यादा ही डाली जाती है, इसका मीठो मसाला इसी से ये अच्छी लगती है इसमें। और हरी मिर्च काट तो लिए, एक बहुत बड़ी हरी मिर्च, मगर डर लग रहा है कि तेज़ हो रहा है इसलिए कम डाल रही हूँ। अब इसको मैं दम पर लगा दूँगी। देखिए चिकन रेडी हो गया और मैं इसको डिशार्ब कर रही हूँ। इसकी प्याज क्रंची क्रंची रहनी चाहिए, इसका कलर वाइट ही होता है, मगर हल्दी डाल दी ना मैंने तो हल्दी की वजह से चेंज हो गया, वरना वाइट वाइट होता है। हल्दी कहते हैं ना कि खानी चाहिए सेहत के लिए, तो मैं मुझे तो खांसी है तो मैं हर चीज़ में अब हल्दी का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देखिए मैं अदरक से इसको गार्निश करूँगी, एक दो हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। देखिए ये रेडी हो गई है चिकन, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत जल्दी और क्विक और यूनिक है। मैंने इसका नाम ही यूनिक क्विक चिकन रखा हुआ है खुद से ही। जब भी कोई ऐसा मौका आए जल्दी है तो आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और मुझे मालूम है काफ़ी लोगों ने नहीं किया है, ऐसे ही छुप छुप कर वीडियो देखते हैं, ये मत सोचें कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता चल जाता है। तो रेसिपी भी ट्राई कर रहे हैं मगर छुप छुप कर वीडियो देखने का मकसद, तो कुछ करते भी जाएं, अगर कुछ लेने आए तो कुछ देते भी जाएं। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें प्लीज़। और अभी ज़्यादा चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।